यामी जी यहाँ पे मुझे लगता है आपको सिर्फ आदत नहीं है, मैं तो यही और चेक छत के नीचे एक्सपीरियंस जब आप ऐसे ब्रांड्स के साथ एसोसिएट करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, काम करते हैं, इवेंट्स करते हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं कि ये किस तरह का ब्रांड है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, तो अच्छा लगता है. एंड अवेरा इज़ डेफिनेटली वन सच ब्रांड और एक बहुत इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है उनके लिए. ये इनका थर्ड स्टोर है ऑल ओवर इंडिया, मुंबई में पहला. और मुझे लगता है काश आज मुझे काम नहीं होता इस इवेंट के बाद और काश मैं यहाँ पर थोड़ा रिलैक्स कर पाती. जो जिस तरह के रिचुअल्स हैं, जिस तरह का रेंज है इनके प्रोडक्ट्स का, दे ऑफ कोर्स दे वीगन, दे क्रूएल्टी फ्री, कोई पैराबेन नहीं, कोई सल्फेट नहीं, बहुत मोर देन 90% जो तरीका है इनका प्रोक्योर करने का प्रोडक्ट इट्स वेरी नेचुरल. और जो इनकी बोटैनिकल खासकर रेंज है, एंड सब जानते हैं स्पेशली बीइंग एन एक्टर, आप हर दिन अपने बालों को, अपनी स्किन को एक्सपोज करते हैं टू वेरियस थिंग्स जो हेल्दी नहीं होती बालों के लिए, चाहे वो हीट हो, डस्ट हो, बहुत सारी चीज़ें हो. सो द रेंज इज़ रियली गुड, बहुत हेल्दी है और बहुत ज़रूरी है कि अपने जैसे हम अपनी स्किन का, अपने कपड़ों का ध्यान रखते हैं, अपने मेकअप का ध्यान रखते हैं, तो अपने पास बालों का भी ध्यान रखते हैं. बिल्कुल. एंड यहाँ स्टोर में मुझे कैसा रहा एक्सपीरियंस, आप यहाँ पर प्रेजेंट हैं तो बताइए जरा कि कैसा होता है एक्सपीरियंस यामी जी का जब स्टोर विजिट करते हैं. यू नो बहुत कम होता है एक्चुअली मैं स्टोर विजिट कर पाती हूँ, और मैक्सिमम मैं तब करती हूँ जब मेरी मम्मी शहर में होती हैं या सुरीली. माई सिस्टर्स, आई एम रियली मिसिंग देम टुडे. और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा स्टोर है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. आप अपनी सर्विसेज के साथ साथ, मैंने अभी एक इनकी फेमस हर्बल हल्दी की चाय पी है, मुझे बहुत अच्छी लगी. अभी पीछे डिटॉक्स वाटर भी है, ज़रूर पीजिएगा, सब चाय पीजिएगा, बहुत ज़रूरी है आज की इम्यूनिटी के लिए भी. और बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत है, बहुत शांत है, बहुत यू नो सिर्फ प्रोडक्ट्स ही नहीं बट जिस तरह से आपकी सर्विसेज होती हैं, कौन है जो एक्सपर्ट्स जो आपको सही गाइड यू नो करते हैं. यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी है कि आपके बालों का एक फ़ोटो लेंगे, अकेले में देखिएगा, और वो कंपेयर करेंगे कि कैसे स्ट्रैंड होना चाहिए जो हेल्दी हेयर कैसा दिखता है, और आपके बालों की क्या कंडीशन है, अपना रिपोर्ट कार्ड मैं नहीं बताऊंगी. तो इट्स सो नाइस. तो टेक्नोलॉजी हम जहाँ तक बात करते हैं, तो ये एक अपने आप में एक तरीका है कि कहाँ पे इट कैन एक्चुअली बेनिफिट अस, और बहुत अच्छा लगा. इट वाज रियली रिफ्रेशिंग टू बी हियर. थैंक यू सो मच. Thank you.